नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जयश्री और जयश्री किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ तिरंगी कोपरा पाक, जो तीन कलर का है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ नारियल का बुरादा लिया है 200 ग्राम जितना, 200 ग्राम शुगर ली है एंड 1.5 कप जितना मिल्क लिया है। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जितना देसी घी लिया है, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और सैफरन केसर लिया है। और यहाँ ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर लिया है। तो हम बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ ड्राई कोकोनट लिया है, तो इसके लिए हम इसे 1 घंटे तक दूध में भिगो कर रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब 1 घंटे के बाद हम आगे का करेंगे। तो 1 घंटा हो गया है, अब हम इसे सौते कर लेते हैं। तो अब हम इसमें घी डालते हैं। तो अब हम इसे हिलाते रहेंगे जहाँ तक कि ड्राई ना हो जाए। तो मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है अभी। तो अभी हमारा ड्राई हो गया है, तो की फ्लेम को बंद कर दे। तो अब हम चाशनी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने शुगर डाली है और शुगर के थोड़ा सा ही ऊपर हम पानी डालेंगे, ऐसे बस इतना ही डालना है। आप देख सकते हैं शुगर से थोड़ा ही ऊपर तक का पानी है। और एक तारी चाशनी बनानी है हमें। तो अब हमारी चाशनी ऑलमोस्ट हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा ही दूध डालती हूँ ताकि वो थोड़ी सफ़ेद हो जाए, देख सकते हैं। अब हम आंच को बंद कर देते हैं। 1 तार जितना। तो अब हम इसके 3 हिस्से कर देते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी सब में निकाल देती हूँ। एक पैकेट में इसमें निकाला है, थोड़ी इसमें डाल दूंगी 1 हिस्सा। तो इसमें हम ऑरेंज कलर का बनाएंगे। तो ये ऑरेंज में केसर मैंने थोड़ा दूध में भिगो दिया है और थोड़ा सा और ऑरेंज कलर भी डालेंगे हम। तो ये हमारा ऑरेंज कलर बन गया है। तो मैंने इस सौते हुए कोकोनट को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अब हम 1 हिस्सा ऑरेंज कलर में डालेंगे और उसे गाढ़ा होने देते हैं स्टोव पे। और इसमें थोड़ा सा इलायची और जायफल का पाउडर भी मैं डालती हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा है। अब हम इसे गाढ़ा होने देते हैं। अब ग्रीन कलर बनाते हैं। तो ये दूसरी चाशनी में हम ग्रीन कलर डालेंगे। इसको हिलाते रहना है, थोड़ा और चाहिए। और इसमें भी थोड़ा इलायची और जायफल का पाउडर डालेंगे। और 1 हिस्सा कोकोनट का इसमें डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं। और यहाँ तीसरा हम व्हाइट कलर बनाएंगे।
तो इसमें भी थोड़ा इलायची का और जायफल का पाउडर डाल देंगे और इसमें सफेद बचा हुआ कोकोनट का हिस्सा डाल देंगे, ये तो सफेद ही करना है हमें। इसको भी गाढ़ा होने देते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने ग्रीन कलर ऐसे नीचे पहले रखा है, अब हम इस पे सफेद कलर लगाएंगे। तो अब ये हमारा सफेद भी ऊपर आ गया है, अब हम इस पे ऑरेंज कलर डालेंगे। तो अब ये हमारा तीनों लेयर हो गया है, अब हम इसे पूरे तरह से ठंडा होने देते हैं, फिर कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों कलर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो अब ये खोपरा पाक बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छे आए हैं और बिल्कुल टेस्ट भी हलवाई जैसा है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।